तो दोस्तों, अब पेश आपके सामने एपिसोड नंबर 5, गुठलियों के दाम का। तो अब बात यहां पे रुकी थी कि झूले से उतर रहे थे, कॉफी खत्म हो रही थी, बात चल रही थी बियर पीने की, और विकी का आइडिया था फिशिंग के लिए जाएंगे तो तब वहां पर बियर का ज्यादा वो आनंद उठा सकेंगे। तो बख्शी साहब उसके लिए सहमत होते हैं, कहते हैं यार लेकिन ठीक है, एक तुम्हारा ये यार अभी चलते हैं फिर उसके बाद वापस क्या आएंगे, लेकिन ये तुम्हारा जो फ्लोर है बड़ा इसकी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव है। कहता सर क्यों नहीं होगा, यहाँ पर आपको पता है मालिक ने 500-500 रुपये की टिकट लगा रखी है इस फ्लोर पर, जो ऐसे कोई आ नहीं जाता। कहता हाँ भाई, कहता है सर महीने में और दिन के हिसाब से लाखों रुपए तो सिर्फ टिकट मनी से आता है, ये इसमें लाइन लगी होती, खरीदार कोई नहीं होता, सिर्फ देखने वाले होते हैं। कहता यार अच्छा कमाल है यार, तो फिर तो एक एक चीज यहाँ पर ऐसी होगी। सर आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, आप घर में खाना खाते। कहता हाँ यार मैं ग्रेट फूडी, मैं तो खुद खाना बनाता भी हूँ और खाता भी और अच्छा ही लगता है लोगों को। तो सर आपको एक शाही बर्तनों का सेट दिखाता हूँ, वो आप देखिए। और अब वो उसको किचन वाले सेक्शन में ले जाते हैं और वहाँ पर जो एक टेबल पर उनको बिठाता है, वहाँ पर एक शाही टेबल जैसी लगी हुई है, उसमें सारा उसमें बर्तन चमकते हुए बिल्कुल, और वो सारे बर्तन जितने चमक रहे थे वो सिर्फ सोने और चांदी के ही थे, सोने की तश्तरियाँ और चांदी के गिलास वगैरह वगैरह। यार ये क्या है, ये वाकई में सोने के या सोने का पानी चढ़ा हुआ है? कहता सर अब आपको एक बात बताता हूँ, आपने रजत सुल्तान देखी थी ना कल रात को? कहता हाँ यार देखी थी। कहता सर आपको एक किस्सा सुनाता हूँ रजत सुल्तान का, जो एक्चुअल किस्सा है। अच्छा। कहता सर एक सीन की शूटिंग चल रही थी शुरू में, और कमाल अमरोही साहब ने वो सीन को शूट करना शुरू करा, और वो सीन था एक शाही बैंकवेट का, और 2 मिनट के बाद ही उन्होंने पैकअप अनाउंस कर दिया। है पैकअप क्यों? उन्होंने कहा कि इसमें बात बन नहीं रही, वो सीन नहीं आ रहा, और अपने असिस्टेंट को बुलाया और ये कहा कि तुम अभी के अभी जाओ मार्केट में और ये सारे सोने और चांदी के बर्तन लेके आओ, तब हम शूट करेंगे। कहता अच्छा तो क्यों, ऐसा क्यों? कहता असिस्टेंट ने भी ये सवाल पूछा और असिस्टेंट ने ये कहा कि सर ये तो एक फिल्म है, सोने चांदी के बर्तन वाकई में सोने चांदी के हैं या सोने का पानी चढ़ा हुआ है ये दर्शकों को थोड़ा पता लगेगा। कहता है कमाल अमरोही ने जवाब दिया, बरखुरदार दर्शकों को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जो एक्टर्स उस वक्त उस सोने की तश्तरी में खाना खा रहे हैं और चांदी के ग्लास में पानी पी रहे हैं उनको तो पता लगेगा, और उनके जो चेहरे पे भाव आएंगे वो वैसे ही आएंगे। कहता वाह यार वाह, क्या किस्सा बताया तूने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे सब सोने के एक्चुअल सोने के बर्तन है, सब चांदी के, सब ये सब इसमें। कहता सर इसमें कोई मिलावट नहीं, और यही स्टोर के मालिक के दादाजी का ये कह रहा था कि ये सब चीज़ें ये कदरदानों के लिए, ऐसे किसी उसके लिए पास नहीं, उसके लिए नहीं है जो कल रातों रात जमीन बेच करके करोड़पति बन गया। कदर ठीक है यार, लेकिन एक बात सुन, तेरी वो रजे सुल्तान वाली कहानी से मैं बहुत मुतासिर हुआ, और तू भाई इसको पैक कर दे। कहता क्या सर कहानी तो कहानी है, वो ठीक है ना, अब आपने कौन सी रजे सुल्तान बनानी? कहता क्यों, कल को मैं भी फिल्म बना सकता हूँ, ये मेरे काम आ जाएंगे सारे। तू क्या समझ रहा है मैं पागल हूँ, ये सारे जो ये सब ये शाही पलंग, ये सब कुर्सी मेज, ये शतरंज, ये झूला और ये बर्तन, ये सब मैं फिल्म बनाने में इंटरेस्टेड हूँ ना, मैं बनाऊँगा ना, ये सब उसमें से मानूंगे। कहता चल छोड़,
अभी चल फिशिंग के लिए, अब जहाँ देर मत कर। मेरा सर जैसी आपकी मर्जी। अब वो वहाँ से निकलते हैं, कपूर साहब कपूरथला वाले देखते हैं कि वो बाहर निकल रहे हैं, बख्शी साहब उनके पीछे विकी और उनके साथ पंखुड़ी। वो देखते हैं कि भैया तीनों कहाँ जा रहे हैं, कुछ रोकते नहीं जाने देते हैं। और कपूर साहब की गाड़ी आती है मर्सिडीज, उसको विकी इशारे से हटा देता है। और जो कपूर साहब की जो पर्सनल रोल्स रॉयस थी लाल रंग की, उसको बुलाता है, कहता सर आपकी गाड़ी में क्यों जाएंगे, यहाँ पर आप हमारे विशिष्ट अतिथि हो, तो आप ये आपके जैसे लोगों के लिए हमारे डिपार्टमेंट स्टोर ने ये रॉल्स रॉयस का प्रबंध कर रखा है। अब देखते हैं कि रॉल्स रॉयस में बिठा करके फिशिंग के एक्सपीडिशन में विकी साहब अब बख्शी साहब को और क्या क्या राग पीलते हैं अगले एपिसोड में।